नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी बसंत पंचमी कथा की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलखंड बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुरनाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर्वजिनीवती धीना मणित्रैवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और यूं भारत के कई हिस्सों में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। पतंगबाजी का वसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें, और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।